तो रिसेंटली हमारे पास में नीट 2021 जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसका वेट कर रहे थे, तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स इस बार एक्सपेक्टेड हैं एग्ज़ाम में। मेरे हिसाब से 17-18 के आसपास जाएंगे। तो कुछ अपडेट्स हैं। पहली बात तो जो एग्ज़ाम है वो 12 सितंबर को होना है। तकरीबन तकरीबन 12 जुलाई को इसकी डेट आई है। आपको 2 महीने का टाइम दिया गया है, जुलाई 12 जुलाई को, 12 अगस्त और 12 सितंबर को। 60 दिन होते हैं और मेरे हिसाब से 60 दिन में 250 से 300 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसके रिगार्डिंग जो स्ट्रेटेजी होगी, जो कुछ कोर्सेस हम लोग लाएंगे, जो फास्ट रिवीजन की बातें होंगी, उसको भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, उनका जो ट्वीट है वो क्या कहता है, लास्ट ईयर 155 सिटीज में एग्जाम हुआ था, इस बार कोविड 19 को देखते हुए नंबर ऑफ सिटीज़ बढ़ा दी गई हैं ताकि स्टूडेंट यहाँ से वहाँ ज़्यादा मूव ना करें। हाँ, ज़्यादा यहाँ से वहाँ माइग्रेशन ना हो, ताकि अगर कहीं पर इन केस इन्फेक्शन के चांसेस हैं तो स्प्रेड ना हो। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर्स जो लास्ट टाइम 3862 थे, मतलब 3862, उसके बारे में भी ऑब्वियस सी बात है, ये 155 सिटी के सेंटर्स हैं, अब की बार 198 सिटीज़ हैं। तो आप देख सकते हैं 43 सिटीज़ अगर बढ़ाई हैं तो इसके रेशियो में तकरीबन तकरीबन आप मान सकते हैं कि 20 सेंटर होते हैं किसी भी एक सिटी में। तो अगर ये 45 बढ़ी है तो आप मान सकते हैं कि आपके पास में 900 के आसपास सेंटर्स और बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है जो कोई भी कर सकता है। फॉर्म फिलिंग जो है वो कल से स्टार्ट हो रही है, मतलब 13 जुलाई से। स्पेसिफिक टाइम 5 बजे का दिया हुआ है, बट देखते हैं, डिपेंड्स ऑन द वेबसाइट हाउ इट वर्क्स एंड सो ऑन। तो फिलहाल के लिए यही बातें हैं, जो भी बेसिक ट्वीट था उसको मैंने आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अब आप अननेसेसरी टाइम को वेस्ट ना करें, न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी को चेक ना करें, बिकॉज यू नो दैट नीट का काज इज ऑलरेडी ट्रस्टेबल अबाउट ऑल दीज। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, स्टे फोकस। 60 डेज आर वेरी वेरी इनफ टू इंक्रीज योर स्कोर बाई 300 मार्क्स। इवन इफ यू आर एट 300 राइट नाउ, इट कैन बी 600। हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाएंगे, आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, गुड इवनिंग। एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट आप सबके लिए है। आपकी नीट की एग्जाम 12 सितंबर को तय की गई है। हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने ट्वीट किया है, अभी के अभी मैंने आपको ये अपडेट दे दी। ये अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, डॉक्टर आनंद मनी के नाम से है। एप्लीकेशन फॉर्म कल शाम में 5 बजे रिलीज हो जाएगा। अब आप हड़बड़ मत कीजिएगा कि आज ही मुझे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ऐसा मत करना बेटा। 1-2 दिन सर्वर डाउन रहेगा, तो 2 दिन बाद भी एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म पे एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। 60 दिन बचे हैं, आपका मेजर फोकस अब एक एक मिनट को यूटिलाइज करने में होना चाहिए। रात में 10 बजे एक डिटेल्ड वीडियो आएगी इस पे। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताइएगा कि क्या तुम्हारे सर ने जो बोला था वो बात हुई या नहीं। ऑल द बेस्ट। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2021 की फाइनल डेट आ चुकी है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट करके इन्फॉर्म किया है कि नीट 2021 एग्जाम 12 सितंबर को होगा और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कल से यानी ट्यूसडे को 5 PM से स्टार्ट होंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो ये बहुत बड़ी खबर आ गई, बहुत बड़ी न्यूज है कि 12 सितंबर को आपका नीट है और कल शाम 5 बजे से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस खुल जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो विश्वास आपने हमारे पे बना के रखा था, मैं जुलाई से मेरे 5 वीडियो देखेगा नीट में, मैं तब से बता रहा हूँ नीट सितंबर में होगा। सेकेंड वीक बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस है। दैनिक जागरण से लेके पता नहीं किस किस अखबार ने बहुत मिसगाइड किया या उन्होंने अपनी थ्योरी रखी जिससे बहुत बच्चों में पैनिक हुआ। लेकिन मेरे से जो बच्चे डायरेक्ट कनेक्टेड थे और मेरे पुराने 4-5 वीडियो खोल के देखे, सब में कमेंट बॉक्स में मैंने लिखा है। जो भी बच्चा मुझसे पूछा सर नीट कब होगा, मैंने बोला सितंबर, आपको क्या लगता है सेकेंड वीक का, पढ़ लीजिए, सब कुछ लिखा है। तो फाइनली चलिए, मैंने जो कहा और आपने विश्वास किया हम पे, फाइनली वही हुआ है। और ये बहुत बड़ी न्यूज है आप लोगों के लिए कि फाइनली जिसका आप इतना इंतजार कर रहे थे, नीट का डेट आ गया। इससे जुड़ी और भी टेक्निकल चीजें हम करेंगे, लेकिन ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी जस्ट ट्वीट किया और ये मैंने भी रिट्वीट किया देख के, तो ये आप लोगों के लिए फाइनली एक रिलीफ है। अब आपको टारगेट मिल गया, आप अपनी तैयारी करिए और हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, सारी बेस्ट विशेस, और कुछ भी नया होगा तो डेफिनेटली मैं अपडेट करूंगा। शुक्रिया, बाय बाय। दोस्तों, नीट एग्जाम 21 के लिए डेट अनाउंस हो चुकी है, ये 12 सितंबर 21 है।
ये जो न्यू एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अनाउंस किया है कि नीट का एग्ज़ाम 12 सितंबर 21 को होगा। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने हैं वो कल 13 जुलाई को शाम 5 बजे स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप इनको फिल कर सकते हैं। अभी आपके लिए तकरीबन 50 डेज का समय है तैयारी करने के लिए, तो आप इन बचे हुए दिनों में तैयारी करें, और इस बार आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना ही है। तो आपको बस इतना सा बताना था कि नीट का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है और ये 12 सितंबर 21 को होगा। ये बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है, ये न्यू एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अनाउंस की है। ये कल तक इसकी वेबसाइट NTA.NEET.NIC.IN पर इसका नोटिस भी आ जाएगा और कल से फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आ जाएगा। बस इतना सा अपडेट आपको देना था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, आपके नीट के डेट अनाउंस हो चुके हैं। 12 सितंबर 2021 को आपका एग्जाम होगा। आपके नए मंत्री शिक्षा मंत्री जी ने अभी तक अभी आपको ट्वीट करके बताया है। लगभग एक महीने नीट वाले विद्यार्थियों के लिए समय है, जेई वालों के लिए कम से कम नाइंसाफी तो बहुत अच्छी हो चुकी है, परंतु नीट वालों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप एक महीने जिल जान लगा के पढ़ लो यार, आप डॉक्टर बनो। कल को मैं कभी कुछ करने आऊंगा तो आप मेरा फ्रेमी इलाज मत करना, है ना। जोक्स अपार्ट, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। कल 5 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, नीट वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी चीज है, एक महीने का थ्रेड बहुत अच्छा होता है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।